नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मेन लाइन NSE और BSE पे लिस्ट होने वाला एक IPO कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड और कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है और इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। यह IPO 13 सितंबर 2017 को खुलेगा और 15 सितंबर 2015 को बंद होगा। ये एक बुक बिल्ट IPO इशू है। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और कंपनी ने इसकी प्राइस रेंज, जो प्राइस बैंड रखा है, उसकी रेंज रखी है 245 से 250 रुपीज़ तक। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 60 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट ₹15,000 की है। लिस्टिंग इस शेयर की BSE और NSE पर होगी। 21 सितंबर तक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा और आपके अकाउंट में शेयर का क्रेडिट और एसबा फंड्स की अनब्लॉकिंग 22 सितंबर 2017 को हो जाएगी और इसकी लिस्टिंग 25 सितंबर 2017 को होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है, लगभग 1,60,00,000 शेयर होंगे और टोटल अमाउंट 400 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। इसमें से 50% कोटा जो है वो QIB के लिए सुरक्षित है, HNI कोटा 15% का होगा और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा है। अब हम बताते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका मेन फोकस रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पर है मेट्रो सिटीज़ में। ये जो है एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए, कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए और एजुकेशनल, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर पर्पज़ के लिए बिल्डिंग्स ये कंपनी बनाती है। कंपनी जो है वो प्राइमरीली मुंबई, दिल्ली NCR और बेंगलुरु में काम करती है। यहाँ इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें जो अच्छे क्लाइंट हैं, लोधा ग्रुप, रुस्तम जी, गॉडरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट्स और ओबराय कंस्ट्रक्शन। इस समय इनके पास में 51 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी ऑर्डर बुक में 96% तो रेजिडेंशियल हैं, 3% कमर्शियल है और 1% इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हैं। ये कंपनी जो है, इसकी एक और ख़ास बात है कि ये कंपनी जो भी इक्विपमेंट काम में आते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो सारी ओन करती है लाइफ टाइम के लिए। यानी कि ये लोग जो हैं दूसरों की तरह किराए पर नहीं लेती इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेन वगैरह, जैसे क्रेन हो गया, कंक्रीट पंप हो गए, बूम प्लेसर्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी इनकी अपनी हैं, उनके ये ओनर्स हैं। उसके अलावा कंपनी के पास 1688 एम्प्लॉइज़ हैं और 10,678 कॉन्टैक्ट वर्कर हैं जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं। कंपनी की स्थापना 9 अगस्त 2012 को हुई थी। उस समय इसका नाम कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। उसके बाद में 21 मार्च 2014 को कंपनी को कन्वर्टेड कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका नाम भी बदलकर कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर दिया गया। 9 अगस्त 2012 को कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू करे, ₹10 का शेयर एट पार में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद में 6 नवंबर 2012 को पहले तो इन्होंने 14,00,000 शेयर इशू करे ₹10 का शेयर एट पार पर। उसके बाद सेम डेट पर इन्होंने पटेल रियलिटी इंडिया लिमिटेड को ₹46.66 पर शेयर इशू करे 15,00,000। उसके बाद में 6 जनवरी 2014 से लेकर 21 मई 2014 तक कंपनी ने जो शेयर इशू करे वो ₹72 प्रति शेयर में करे, 4 डिफरेंट डेट्स के ऊपर। इसी तरह से 15 अक्टूबर 2014 से 27 मई 2015 तक कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे ₹83 प्रति शेयर में, 4 डिफरेंट डेट्स पर। उसके बाद में 6 अगस्त 2015 को केवल 5 शेयर अलॉट करे गए MW इन्वेस्टमेंट को ₹625 के प्राइस पर। 1 दिसंबर 2016 को कंपनी बोनस शेयर लेना नहीं भूली, 6 शेयर इन्होंने लिए 1 शेयर के बदले। और 30 जून 2017 को इक्विटी शेयर की अलॉटमेंट हुई CCPS यानी कि कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को परिवर्तित करके शेयर अलॉट करेगा। इस कंपनी के 3 प्रमोटर्स हैं, मिस्टर रोहित आर कतियाल,
मिस्टर राहुल आर कतियाल, मिस्टर सुबीर मल्होत्रा। मिस्टर राहुल कतियाल के पास कंपनी के 61,24,930 शेयर हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.69 रुपये प्रति शेयर है। इसी तरह से उनके बड़े भाई रोहित कतियाल के पास 1,08,16,190 शेयर हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6.10 रुपये की है। मिस्टर सुबीर मल्होत्रा के पास में 25,25,439 शेयर हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11.86 रुपये की है। इस कंपनी के चार ऑब्जेक्ट्स हैं इशू को लाने के लिए। पहला है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है फंडिंग ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स और तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पजेज। अब कंपनी के फाइनेंशियल पे आते हैं। देखिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है उसके हिसाब से 31 मार्च 2013 को कंपनी की कुल आमदनी 3 करोड़ रुपये थी। उसके बाद में अगले साल ही ये 174 करोड़ रुपये हो गई, उसके बाद में 512 करोड़, उसके अगले साल 816 करोड़ और 31 मार्च 2017 को 1140 करोड़ रुपए की इनकी टोटल रेवेन्यू था। यानी कि जो इनका प्रॉफिट्स है वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। इसी तरह से बॉटम लाइन को अगर देखें तो सबसे पहले दिन पहले साल इनको नुकसान था 2,30,00,000 रुपये का, उसके बाद में अगले साल इनको प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपए का, उससे अगले साल 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, उससे अगले साल 47 करोड़ का प्रॉफिट और अंत में 2017 के फाइनेंशियल ईयर में 69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया। यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ते हुए क्रम में इनका चल रहा है। कंपैरिजन अगर हम करें पीयर ग्रुप के साथ इनकी फाइनेंशियल रिसोर्स का, तो आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी ने तीन नाम दिए हैं, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जेएमसी प्रोजेक्ट्स और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से जेएमसी प्रोजेक्ट्स को निकाल देते हैं क्योंकि ये घाटे की कंपनी है, इसको कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बचे दो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्निंग पर शेयर में जो सबसे अच्छा है वो कैपेसिटी इंफ्रा है, क्योंकि इनका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये प्रति शेयर है। प्राइस अर्निंग रेशो भी सबसे अच्छी कैपेसिट की है 14.51 और ROW रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये भी सबसे अच्छी कैपेसिट की है 23% की। NAV जो है वो 74.36 रुपये की है कैपेसिट की, ये भी अच्छी है। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बैठता है कैपेसिटी इंफ्रा। तो हम आपको यही कहेंगे कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये फेयरली प्राइस इशू है और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के तो पूरे पूरे अच्छे चांसेस हैं, लिस्टिंग गेन देगा ये शेयर, आपको अप्लाई करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। आप इस वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में, और हम आपके कमेंट्स का भी इंतजार